नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। चीन की विशेष मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई। यूएनएससी में कश्मीर को लेकर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो वहीं भारत के पुराने दोस्त रूस ने एक बार फिर से दोस्ती दिखाई। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। इस बैठक में रूस ने भारत का साथ देते हुए कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्यों ने शिरकत। यह बैठक बंद कमरे में हुई। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से बता चुका है कि जम्मू कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष दर्जा वापस लिया जाना उसका अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान इस वास्तविकता को स्वीकार कर ले। कश्मीर पर पाकिस्तान के स्टैंड को यूएनएफई में कोई खास समर्थन नहीं मिला, जबकि रूस फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान का पुरजोर विरोध किया। यह बैठक अनौपचारिक थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से अधिकांश भारत के पक्ष में थे। 15 देशों में से कम 9 देशों ने अगर पाकिस्तान का समर्थन दिया होता तब कश्मीर पर औपचारिक बैठक आगे बुलाई जाती। इस बैठक में चीन के अलावा किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। यूएनएससी की बैठक खत्म होने के बाद चीनी राजदूत ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद मौजूदा स्थिति बदल गई है। चीन ने कश्मीर की हालत को चिंताजनक बताया और कहा कि कोई पक्ष एक तरफा कार्यवाही न करे। इस बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा। अकबरुद्दीन ने कहा कि धारा 370 भारत का आंतरिक मसला है जिसमें बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे कश्मीर से पाबंदियां हटा रही है। अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान जिहाद की बात कर हिंसा फैला रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट संख्या की खबर।